हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। इन प्रीवियस लेक्चर वी गो थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच एक्सप्लेन या विच इज वेरी नीडफुल इन दिस डेज, विच एक्सप्लेन द डिवाइस और कंप्यूटर वर्क ऑटोमेटिकली। दे हैविंग इंटेलिजेंस, दे कैन मेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ अस। टूडे वी विल लर्न अबाउट मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसेट मीन्स इट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी न किसी वे से मशीन लर्निंग से ही इंटेलिजेंस बनाता है। तो ये हमेशा जरूरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, क्योंकि इंटेलिजेंस तभी आती है जब कोई चीज लर्न करते हैं। हमने ये लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो ये जो लर्निंग है जिसमें कंप्यूटर लर्न करता है और वो अपनी इंटेलिजेंस बनाता है ना, तो वो जो लर्निंग वाला प्रोसेस होता है उसी को हम लोग मशीन लर्निंग बोलते हैं। अब मशीन लर्निंग में होता क्या है? मशीन लर्निंग में हम कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर की उस एबिलिटी की बात करते हैं कि कंप्यूटर हैव द एबिलिटी टू लर्न। अब कंप्यूटर सीखता है, और सीखता किस से? सीखता ये है डेटा से। तो कंप्यूटर क्या करता है, अपने आसपास जो भी इसको डेटा मिलता है थ्रू सेंसेस, थ्रू इनपुट डिवाइसेस, तो उस डेटा को वो ग्रैप करता है, उसको समझता है, उसके एनालिसिस करता है, देन वो एक इंटेलिजेंस बनाकर एआई को देते हैं। तो ये जो कंप्यूटर डेटा लेता है, मशीन जो डेटा लेती है स्टेटिकली, तो ये डेटा हम लोग मैन्युअली नहीं देते, हम लोग कोई प्रोग्राम के थ्रू डेटा फीड नहीं करते। ये विद टाइम वो मशीन लर्न करती है विद डिफरेंट डिफरेंट डेटा। तो यहां जरूरी बात ये है कि जो डेटा अगर हम लोग दे देंगे तो फिर वही इंटेलिजेंस होगी जो कि हम लोग दे रहे हैं। तो मशीन खुद कहाँ सीख रही है? तो हम लोग से क्या करते हैं, हम लोग उसको डेटा नहीं देते हैं, हम लोग कोई भी एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम नहीं देते हैं उसको, बस हम लोग मशीन के अंदर एक प्रोसेस बनाकर छोड़ देते हैं। उस प्रोसेस के थ्रू कंप्यूटर खुद डेटा एक्वायर करता है, एनालिसिस करता है, उसका एक पैटर्न निकालता है। इसी को मशीन लर्निंग कहते हैं। याद रखिएगा, डेटा यूजर को प्रोवाइड नहीं करना है। अगर यूजर प्रोवाइड करेगा तो फिर वो मशीन कभी सीख नहीं पाएगी, वो डेटा तो वहीं से मिल गया उसको। अब ये कैसे काम करता है, ये कंप्यूटर खुद भी खुद डेटा कैसा ले लेता है? तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग एक एल्गोरिथम बनाते हैं। एल्गोरिथम मतलब स्टेप्स टू परफॉर्म अ टास्क। जब कंप्यूटर में कोई काम होना है तो हम लोग उसके स्टेप बनाकर छोड़ देते हैं, हम लोग डेटा नहीं देते उसको, हम लोग इनपुट नहीं देते। जैसे कि मैंने कहा कि एक इमेज में से किसी पर्सन को ढूंढना है, एक कोई भी इमेज जिसमें बहुत से ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, पीछे पेड़ आ रहे हैं, है ना, रोड आ रही है और एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इसमें से एक बंदे को ढूंढना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके स्टेप बताएंगे कि एक बंदे क्या क्या हो सकता है। तो हम लोग एक एल्गोरिथम बनाकर मशीन को दे देते हैं। अब मशीन क्या करती है, खूब सारी फोटो जब लेती है, जब खूब सारी फोटो ले लेगी, फिर वो उनको एनालिसिस करती, क्या वो जो स्टेप हमने दिए थे क्या वो उसके अकॉर्डिंग वो फोटो के अंदर उस पर्सन को ढूंढ पा रहा है कि नहीं पा रहा है। जैसे वो उस पर्सन को ढूंढ लेता है तो अब हम लोग कहते हैं कि हाँ, मशीन इज कैपेबल टू लर्न। तो एक प्रोग्रामर या एक इंजीनियर करता क्या है, एक इंजीनियर सिर्फ एक एल्गोरिथम बनाता है, सिर्फ स्टेप्स लिखता है कि उसको करना क्या है, जबकि उसको डेटा नहीं देता है। ये जो एल्गोरिथम है इसको हम लोग बोलते हैं मॉडल। तो हम लोग सिर्फ मशीन लर्निंग को एक मॉडल बना के दे देते हैं कि यार ऐसा ऐसा मॉडल रहेगा। अब मशीन क्या करती है, उसको डेटा मिलता है, जो पहले डेटा मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेनिंग डेटा, जो उसको फर्स्ट डेटा मिलता है उसके बेसिस पर वो जो मॉडल है, वो जो एल्गोरिथम है, वो उस डेटा को एनालिसिस करता है और एक अपना पैटर्न बनाता है, फिर वो हमें आउटपुट देता है, फिर हम लोग उसको टेस्टिंग करते हैं। तो टेस्टिंग करने के लिए फिर हम लोग फिर उनको एक डेटा देते हैं, मैन्युअली डेटा देते हैं इस बार, ताकि जो उसने सीखा है वो बिल्कुल सही है या परफेक्ट है या गलत है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसा कि हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम होता है।
तो जब हम आपको पढ़ा रहे होते हैं वो एक ट्रेनिंग डेटा है, और आप उस डेटा को एक्वायर करते हो, उससे अपना एक नॉलेज बनाते हो। देन फाइनल लास्ट में हम लोग आपका एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं, तो वो आपका जो हो गया वो टेस्टिंग हो रही है कि जो आपने सीखा वो परफेक्ट था या नहीं था। तो उसी तरह से यहाँ पर दो डाटा की इंपॉर्टेंस होती है, ट्रेनिंग डाटा एंड टेस्टिंग डाटा। अब ये जो डेटा है ट्रेनिंग और ये, तो आफ्टर सक्सेसफुली ट्रेनिंग, अगर ट्रेनिंग खत्म हो गई, हम लोग कहते हैं सब कुछ सही है, अब इसको टेस्टिंग करना है ना, तो वंस दीज मॉडल आर एबल टू गिव रिजल्ट, जैसे ही उनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है वो सफिशियंट डिसीजन लेना शुरू कर सकते हैं, तो हम लोग कहते हैं वो डिसीजन सही है। फिर हम लोग उसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं कि वो कितने एक्यूरेट है, देन हम लोग टेस्टिंग करते हैं, उसके लिए हम लोग टेस्टिंग डेटा देते हैं। यस, जैसे कि किसी भी पिक्चर में किसी भी पर्सन का फेस रिकॉग्नाइज करना है, तो आप हम जब कैमरा यूज करते हैं मोबाइल में या फिर हम DSLR यूज करते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो फेस को रिकॉग्नाइज कर रहा है, क्लियर। तो हम करेंगे क्या, तो हमने एक मॉडल बनाया जिसके अंदर उसको अलग अलग ढंग से फोटोज दी, उस ढंग से उसको वो एनालिसिस करता है और वो ये फाइंड करता है कि इसमें फेसेस कैसे कैसे हो सकते हैं। जैसे उसको सफिशियंट डाटा मिल जाता है और वो फेस को पहचानना शुरू कर देता है, फिर हम लोग उसको टेस्टिंग डाटा देते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइनल इसको एक्सेप्ट करते हैं या उसको रिजेक्ट करते हैं। तो ये था ML। तो ML के जो एग्जाम्पल है आपके अपने मोबाइल कैमरा के अंदर आपको मिल जाएंगे कि किस तरह से कैमरा करता है हमारा, या फिर जब आप कोई भी इमेज अपलोड करते हो तो उसकी लोकेशन क्या रहती है, आप उसके आसपास में क्या प्रिडिक्शंस है। फॉर एग्जांपल आप गूगल पर जो चीज़ ज़्यादा सर्च करते हैं, जिस आइटम को ज़्यादा सर्च करते हैं, वही आपको गूगल उसको न्यूज़ में आपको देता है। तो अगर आपने गूगल में सर्च ना करके आप उसकी न्यूज देखिए, आप गूगल की न्यूज आती नीचे की तरफ, तो उसमें वही सजेशन आएंगे। सपोज कोई बंदे को कार बहुत पसंद है तो कार के बारे में सर्च करता है, तो गूगल उसके बारे में सजेस्ट करना शुरू कर देगा कि आज ये न्यूज है, आज वो वाली न्यूज है, ये सारी न्यूज एक कार से रिलेटेड है। तो गूगल को कैसे पता कि इस बंदे को ये पसंद है, तो वो क्या करता है, आपके जो डेटा डालते हो आप गूगल पर सर्च करने के लिए, उस डेटा को एक्वायर करके एक मशीन लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू करता है। तो यहां मैं क्लियरली बता देता हूं कि हम जो मशीन की बात कर रहे हैं, वो मशीन एक कंप्यूटर भी हो सकती है और एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और मोबाइल भी हो सकता है, कुछ भी। जरूरी नहीं है कि जो लर्निंग प्रोसेस है वो किसी हार्डवेयर में ही हो, सॉफ्टवेयर को भी हम लोग मशीन बोलकर या बोलते हैं, और वो सॉफ्टवेयर भी मशीन लर्निंग करता है। तो फ्रेंड ये तो था हमारा कि मशीन लर्निंग क्या है और ये कैसे काम करता है। तो इसमें जो मेजरली हमें पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि इसमें जो हम लोग प्रोसीजर देते हैं, जो स्टेप्स देते हैं जिसको मशीन फॉलो करेगी, उसको तो हम लोग बोलते हैं मॉडल, और प्रीवियसली जो डाटा दिया जाता है उसको बोलते हैं ट्रेनिंग डेटा। ट्रेनिंग के बाद में जब हम उससे टेस्टिंग करते हैं तो जो डाटा हम लोग मैनुअली देंगे फिर उसके अंदर वो कहलाएगा टेस्टिंग डाटा। अब हम बात करते हैं कुछ और टेक्नोलॉजी की, इमेजिंग ट्रेंड्स की। तो अब हम लोग पढ़ेंगे NLP। NLP की फुल फॉर्म होती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और ये आपने टेक्नोलॉजी आपके मोबाइल में भी अवेलेबल होती है। तो आपके मोबाइल में जो एंड्रॉयड मोबाइल है उसमें एक बहुत अच्छा फीचर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेलो गूगल। आप कोई भी चीज, पहले हम लोग जब सर्च करते थे तो वी हैव टू टाइप, हम लोग वर्ड्स लिखते थे जिसको हम लोग कीवर्ड बोलते हैं, तो हम लोग कीवर्ड लिखते थे, वो कीवर्ड उसको मैच करता था डाटाबेस के अंदर, और उसके रेस्पेक्ट में जितनी भी वेबसाइट वो आपको दिखाता था। आजकल NLP यूज होता है, NLP मीन्स नेचुरल लैंग्वेज, जैसे कि हमारी जो बोलने की लैंग्वेज वो यूज होती है। तो जैसे ही गूगल में हमें कुछ सर्च करना है तो हम लोग बोलते हैं, गूगल उस स्पीच को कन्वर्ट करता है टेक्स्ट में और फिर उसको सर्च करता है। तो आपने इसको एक्सपीरियंस भी लिया होगा इस टेक्नोलॉजी का। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एलेक्सा। एलेक्सा में जब आप लोग कोई भी कमांड देते हैं वॉइस कमांड, तो उस कमांड को पहले कन्वर्ट करती है टेक्स्ट में फिर उसको सर्च करती है। इसका मतलब ये है कि NLP जो है वो ह्यूमन और कंप्यूटर का इंटरेक्शन है। यस, तो अब हम लोग इसकी थोड़ा सा देख लेते हैं लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है।
द प्रिडिक्टिव टाइप्स फीचर ऑफ सर्च इंजन, जो सर्च इंजन के जो अभी वाले जो फीचर्स है, दैट हेल्प अस बाय सजेस्टिंग द नेक्स्ट वर्ड इन द सेंटेंस वाइल टाइपिंग कीवर्ड एंड स्पेल हैक फीचर आर एग्जाम्पल ऑफ NLPs। तो जैसे जैसे हम लोग स्पीच करते हैं, बोलते हैं, तो वो खुद ब खुद उसको सर्च करता है या आगे वाले कीवर्ड को सजेस्ट कर लेता है। ये सब NLP का पार्ट है। तो कुल मिलाकर NLP एक इंट्रैक्शन है बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर, और ये हमें कन्विंस देता है कि हम लोग अपनी लैंग्वेज जैसे हिंदी इंग्लिश में हम लोग कंप्यूटर से इंट्रैक्शन कर सकते हैं। तो अभी इसको हम लोग यूज क्या कर रहे हैं, तो इट इज पॉसिबल टू सर्च वेब, हम लोग इसको वेब पर सर्च कर सकते हैं। हम वॉइस कमांड के थ्रू, अगर हम इसको सिंपली अगर NLP को बोले तो एक वॉइस कमांड जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है उसको हम लोग NLP कह सकते हैं जनरल भाषा में। तो हम लोग ना केवल उसको सर्च करते हैं बल्कि ऑपरेट भी करते हैं। तो गूगल के जो फीचर्स आ रहे हैं हमारे पास, जिसके अंदर हमें अगर किसी को कॉल करना है तो हमें सर्चिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग सीधा बोलते हैं गूगल कॉल XYZ, तो गूगल उसको कॉल करता है। हम लोग कहते हैं ओके गूगल मैसेज टू दिस वन, तो वो उसको मैसेज भी करना ओपन करके दे देगा आपको, फिर आपको टाइप करना है। इसका मतलब हम अपनी मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग वॉइस। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं। आप ना केवल अपने कंप्यूटर को, घर में जो लाइट्स होती है, आजकल जो टेक्नोलॉजी आई है उसके थ्रू हम लोग वॉइस कमांड से काम करते हैं। तो NLP के अंदर दो मेजर चीज होती है कि टेक्स्ट को कैसे स्पीच में बदलते हैं और दूसरा स्पीच को टेक्स्ट में कैसे बदलते हैं। क्लियर है? तो ये दो पार्ट आते हैं मेजरली NLP के अंदर, कि जो टेक्स्ट सर्च होता है वो उसको बोल कर हमें सुनाता है, और जो हम लोग बोलते हैं वो उसको वापस टेक्स्ट में करके सर्च करते हैं। तो दिस इज पार्ट ऑफ NLP। ये काफी हद तक हम लोग यूज करते हैं इसको अपने डेली लाइफ में, या अपने मोबाइल्स में या लैपटॉप में कहीं भी। तो मोबाइल्स के अंदर आपके पास सिरी आता है और विंडोज में कॉर्टाना आता है। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं जहां हम लोग ये देखते हैं जहां NLP यूज होती है। कुछ सॉफ्टवेयर भी होते हैं NLP के, जिसके अंदर हम लोग एक लैंग्वेज के अंदर सॉफ्टवेयर को बोलते हैं और वो उसको दूसरी लैंग्वेज के अंदर प्रोनाउंसिएशन करता है। तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं मार्केट में अवेलेबल कि आप एक लैंग्वेज, जैसे आपको मान लीजिए आपको चाइना जाना है और वहाँ पर लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर के थ्रू जब आप उसके अंदर हिंदी या इंग्लिश बोलेंगे तो वो उसको ट्रांसलेट करेगा वॉइस को, पहले टेक्स्ट में, फिर टेक्स्ट को कन्वर्ट करेगा चाइनीज में, फिर चाइनीज को स्पीक करेगा। तो ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर हमें देखने को मिल जाते हैं जहां हम लोग वॉइस के थ्रू या तो कमांड दे रहे होते हैं कंप्यूटर को, या फिर कहीं ना कहीं मशीन को ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो दो आज के जो हमने पढ़े हैं ML और NLP, इसकी हजारों एप्लीकेशंस आज हम लोग यूज कर रहे हैं आज की डेट में, और आने वाले फ्यूचर में बहुत और ज़्यादा इस चीज़ों पर काम किया जाएगा। तो होपफुली आपको ये टेक्नोलॉजी पसंद आई होगी, आपको पता भी चला होगा कि अपने मोबाइल में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, जो सॉफ्टवेयर है जो बनाते हैं, तो उसमें क्या क्या टर्म्स यूज करते हैं वो लोग। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और नया पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।